हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ नमिता, एक नई रेसिपी के साथ स्वागत करती हूँ मेरे चैनल मिशू क्रिएशन पे। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट छोले, जो बिना लहसुन प्याज के बनेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। हमने लिए थे एक कटोरी छोले और इनको रात भर भिगो दिया था और ये अच्छे से फूल गए हैं और इनको 2 से 3 पानी से हमने बढ़िया से वॉश कर लिया है। कुकर में डाल देंगे छोलों को और इसमें डालेंगे हम पानी। और जिस कटोरी से हम पानी डाल रहे हैं, इसी कटोरी के मेज़रमेंट से हमने एक कटोरी छोले लिए थे फ्रेंड्स, और 3 कटोरी पानी लगभग हम इसमें डालेंगे। और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 हरी इलायची और 2 लौंग डालेंगे। 1 तेज़पत्ता को हमने काट कर डाला है और 1/2 चम्मच हमने डाला है मीठा सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और 1 चम्मच हमने डाला है रिफाइंड ऑयल। और इन सभी चीज़ों को डालकर हम कुकर को बंद कर देंगे और गैस पे हम रख देंगे और 4 से 5 सीटी लगा देंगे ताकि छोले हमारे अच्छे से पक जाएं। और हाई फ्लेम पे हमने कुकर को रखा है फ्रेंड्स। इधर हमने लिए हैं 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 टमाटर लिए हैं। अब एक जार लेंगे और जार में डालेंगे हरी मिर्च और अदरक को हमने कट कर दिया था फ्रेंड्स, और हम डालेंगे टमाटर, टमाटर को भी कट कर देंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो मिर्च और ऐड कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को डालकर हम इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए पेस्ट हमारा हो गया है रेडी। अब हम कुछ खड़े मसाले लेंगे। 1 चम्मच हमने लिया है जीरा, 2 हरी इलायची, 4 लौंग लिया है, 1 तेज़पत्ता, 5 से 6 काली मिर्च लिए हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी लिया है हमने, और थोड़ी सी अदरक और 2 हरी मिर्च को हम इस तरह से कट कर लेंगे। फ्रेंड्स आप चाहें तो आप बारीक भी कट कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसी तरह से कट करेंगे ताकि मिर्च थोड़ा देखने में अच्छी लगे। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे चैनल पर और भी रेसिपी अवेलेबल हैं फ्रेंड्स, आप जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स। और ये देखिए अदरक को भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब हमने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया और इसको भी अच्छे से वॉश कर लिया था और इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। धनिया को हमने कट कर लिया है। 1/2 चम्मच हमने लिया है हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हमने लिया है जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच से भी कम गरम मसाला और 1/2 चम्मच हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच नमक लिया है और 1/2 चम्मच हमने लिया है हींग। और इन सभी चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिला देंगे। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो 1 चम्मच इसमें छोले मसाले भी डाल सकते हैं। हमने छोले मसाले नहीं डाले हैं, रेसिपी को बहुत ही सिंपल रखा है। गैस को हमने ऑन कर दिया है, गैस पर रख दिया है पैन और पैन हमारा गर्म हो गया था, इसमें डाल देंगे ऑयल। अब हम थोड़ा सा ऑयल को चेक कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा जीरा डालकर हमने चेक कर लिया है, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। गैस को हमने कर दिया है मीडियम और मसालों को डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें डाल देंगे अदरक। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो ये रेसिपी ट्राई करिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी फ्रेंड्स। कभी हमारे घर में पूजा वगैरह होती है तो हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तब सोचते हैं कि हम छोले कैसे बनाएं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, जो प्याज लहसुन से हम छोले बनाते हैं उनसे कहीं ज़्यादा टेस्टी ये छोले बनते हैं। और आप ये रेसिपी इस तरह से बनाइए, इस तरह से ट्राई करिए, छोले बहुत बढ़िया बनेंगे, बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। अब हमने डाल दिया है टमाटर की प्यूरी जो हमने तैयार करी थी। छोले हमारे पककर हो गए हैं रेडी। एक बार हम इनको खोल कर चेक कर लेंगे। कुकर को हमने खोल दिया है, ढक्कन हटा दिया है। अब ये देखिए छोले हमारे बहुत अच्छे से पक गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट। ये देखिए अब हम थोड़े से छोले लेकर इस तरह से मैश कर लेंगे और इनको हम ग्रेवी में डालेंगे फ्रेंड्स, ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी और गाढ़ी हो जाए। और ये देखिए हमने इनको मैश कर लिया है। अब सारे छोलों को हम निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे। अगर आप चाहें तो जो इसमें डले हुए खड़े मसाले थे जो हमने डाले थे उनको निकाल सकते हैं, अगर ना निकालना चाहें तो ना निकालें। और जो बचा हुआ पानी था उसको हम रख लेंगे और ग्रेवी में यूज करेंगे। और ये देखिए टमाटर भी हमारा अच्छे से पक रहा है। अब इसमें डालेंगे नमक। फ्रेंड्स 1/2 चम्मच नमक हमने पहले ही मसालों में मिक्स करके डाला था और 1 चम्मच ऊपर से डाला है टमाटर में, ताकि हमारे टमाटर जल्दी से पक जाएँ इसलिए। और पूरे छोलों में हमने 1.5 चम्मच नमक का यूज़ किया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अब हमारे टमाटर अच्छे से पक गए थे, अब इसमें डाल देंगे जो हमने मसालों का पेस्ट तैयार किया था और गैस को मीडियम कर देंगे
और इसमें डाल देंगे छोले जो मैश किए हुए थे, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। और ये देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट होने लगा है, मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं, बहुत अच्छी सी महक आ रही है। अब इसमें डालेंगे हम एक चम्मच दही। फ्रेंड्स, दही डालने से छोले का टेस्ट बहुत ही बढ़िया इन्हेंस होता है। और दही डालने के बाद इसको हम लगातार अच्छे से चलाएंगे, नहीं तो दही हमारा फट जाएगा, फिर ग्रेवी हमारी अच्छी सी नहीं बनेगी, स्मूथ नहीं दिखेगी फ्रेंड्स। और ये देखिए दही और मसाले और जो हमारा टमाटर का पेस्ट था, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पक गई हैं और बिल्कुल किनारों से तेल अलग हो रहा है, समझ लीजिए परफेक्ट तरीके से मसाला हमारा पक गया है। अब इसमें डाल देंगे जो हम उबले हुए छोले, और इनको डालकर हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से चलाएंगे ताकि छोले और मसाले अच्छे से आपस में मिल जाएं। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ, और खाने में तो है ही टेस्टी, बहुत ही सुपर टेस्टी। अगर आपने कभी इस तरह से नहीं ट्राई किया है तो आप ज़रूर ट्राई करें। और इसको हमने 2 मिनट के लिए ढक दिया था। और ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे पानी, छोले उबालते समय जो पानी बचा था वही पानी हमने इसमें डाला है, और पानी हम ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, ज़्यादा गाढ़ी या पतली पसंद करते हैं, लेकिन हमने इसमें गर्म पानी का यूज़ किया है, पानी को हमने पहले गर्म कर लिया था, वो हमने डाला है ग्रेवी में। अब हम इसको हाई फ्लेम पे कर देंगे और छोलों को अच्छे से उबलने देंगे। और ये देखिए छोले हमारे बढ़िया से उबल रहे हैं। 3 से 4 मिनट के बाद एक बार हम फिर से इनको चेक कर लेंगे, और ये देखिए ग्रेवी हमारी बढ़िया से गाढ़ी हो रही है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच आमचूर पाउडर, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया इनहेंस होगा। और इसको डालकर अच्छे से मिला देंगे और फिर से हम कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और 1 से 2 मिनट के बाद ये देखिए छोले हमारे बनकर हो गए हैं रेडी। फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया छोले बने हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो चलिए चलते हैं, सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर, और दिखने में बहुत अच्छे, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं फ्रेंड्स। और थोड़ी सी हमने डाल दी है इसमें कटी हुई हरी मिर्च, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और छोले हमारे हो गए हैं रेडी। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। आपने इतना कीमती समय दिया, हमारा वीडियो देखा, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।